फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स टुडेज अवर मॉरल स्टोरी इज द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। आज की हमारी मॉरल स्टोरी है लूमड़ी और अंगूर। फ्रेंड्स यह बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इससे आप मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स इस वीडियो में आप हमको नए वर्ब्स सीखने को मिलेंगी, इन्फिनिटिव्स आएंगे, पार्टिसिपल आएंगे, तो आप मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिए। अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ डेंस फॉरेस्ट इन अ फार अवे लैंड। एक समय की बात है, दूर देश में एक घना जंगल था। मैनी एनिमल्स लिव्ड देयर, बहुत सारे जानवर उधर रहते थे। देयर वॉज ऑल्सो अ फॉक्स इन दिस फॉरेस्ट, इसी जंगल में एक और लूमड़ी रहता था। वंस अपॉन यानी एक बार या एक समय, डेंस यानी घना, डेंस फॉरेस्ट यानी घना जंगल, फार अवे दूर, लैंड यानी देश, दूर देश या जमीन। ऑल्सो फ्रेंड्स ऑल्सो हम तब लगाते हैं जब हिंदी में भी सेंस आता है और यह एक कंजक्शन है, जैसे कि इसी जंगल में एक लूमड़ी भी, यहाँ पर भी आया है इसलिए हमने ऑल्सो का यूज़ किया है, भी रहता था। वन हॉट समर डे, एक गर्मी का दिन थे, द फॉक्स वॉज हंग्री, लोमड़ी भूखी थी। ही वॉक्ड अराउंड द फॉरेस्ट बट कुड नॉट फाइंड एनी फूड टू ईट। वह पूरे जंगल में घूमी लेकिन उसे कोई भी खाना नहीं मिला खाने के लिए। वन हॉट यानी एक, वन हॉट समर डे यानी एक गर्मी का दिन था, हंग्री यानी भूखा होना, भूखा रहना, वॉक्ड यानी घूमना या चलना, अराउंड अराउंड चारों ओर, अराउंड मीन्स चारों ओर, फॉरेस्ट जंगल, बट मीन्स लेकिन, बट मीन्स होता है लेकिन, और यह भी एक कंजक्शन है, लेकिन पर परंतु के कुड एक मॉडल वर्ब है, सकता। फाइंड ढूंढना, एनी यानी कोई, फूड खाना, टू ईट यानी खाने के लिए, जहाँ पर भी आपको ये टू और वर्ब मिल जाए, टू प्लस वर्ब मिल जाए तो वहाँ पर वह इन्फिनिटिव होता है। के ही ट्राइड टू कैच स्मॉलर एनिमल्स एज देयर प्रे बट डिड नॉट सक्सीड। उसने छोटे जानवरों का शिकार के तौर पर पकड़ने की कोशिश की। ट्राइड यानी कोशिश करना, टू कैच, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर टू प्लस वर्ब आ गई इसलिए यह इन्फिनिटिव है। स्मॉलर यानी छोटे जीव जंतु, एनिमल जीव जंतु, प्रे यानी शिकार, जैसे कोई बर्ड्स, हंटर बर्ड्स को प्रे बनाते हैं, यानी जो शिकारी होते हैं वो शिकार करने के लिए पक्षियों को शिकार बना लेते हैं इस तरह से। बट लेकिन डिड एक हेल्पिंग वर्ब है, सक्सीड यानी सफल ना होना। इट वॉज गेटिंग डार्क एंड ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग ऑल डे। अंधेरा भी हो रहा था और उसने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया। स्मॉलर एनिमल्स यानी छोटे जीव जंतु, सक्सीड यानी सफल होना, गेटिंग डार्क एंड ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग ऑल डे। अंधेरा भी हो रहा था और उसने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया। गेटिंग डार्क यानी अंधेरा हो रहा था। गेटिंग हम जब लगाते जब कोई चीज़ होती है। हैड नॉट ईटन, ईट यह ईट की थर्ड फॉर्म है, ईटन खा चुकी, और यह परफेक्ट में आती है। एनीथिंग यानी कुछ भी, ऑल डे पूरा दिन। ओके फ्रेंड्स, एज ही वॉक्ड ही रीच्ड द एज ऑफ द फॉरेस्ट
देयर वॉज अ बिग हाउस नियर बाय। चलते चलते वह जंगल के किनारे पहुंच गया। देयर वॉज अ बिग हाउस नियर बाय, वहाँ उसके पास एक बड़ा घर था। नेक्स्ट टू हाउस ही सॉ अ फेंस्ड विनयार्ड, घर के पास उसने एक घिरी हुई बाड़ी देखी। फ्रेंड्स बाड़ी, बाड़ी जो तारों या लकड़ियों या कांटेदार लकड़ियों की जैसे बाड़ी होती है, जैसे कि आपने सुना होगा तार फेंसिंग, तो उसे बाड़ी कहते हैं। तार फेंसिंग वो घर के या खेत के बगीचों के आराम चारों ओर लगी रहती है, उसको हम फेंस्ड विनयार्ड बोलते हैं। ओके, ही नोटिस्ड बिग जूसी ग्रेप्स हैंगिंग फ्रॉम द विंड्स, उसने देखा कि बेलों से बड़े बड़े रसीले अंगूर लटक रहे हैं। स्लर्प, उसने कहा स्लर्प। हिज माउथ बिगेन टू वाटर एज ही लुक्ड इन व्यू एट द ग्रेप्स, अंगूरों को देखते ही उसके मुंह में पानी आने लगा। ही थॉट ऑफ ईटिंग सम ग्रेप्स एज दे वुड मेक अ गुड मील, उसने कुछ अंगूर खाने के बारे में सोचा क्योंकि वे एक भोजन बनेंगे। नोटिस्ड यानी कि कोई चीज देखकर देखना, नोटिस देखा, हैंगिंग लटकते हुए, यहाँ पर यह जो हैंगिंग है वह पार्टिसिपल है, जो हैंगिंग है वो पार्टिसिपल है और हैंग की फोर्थ फॉर्म है। वाइन्स यानी कि बेलों, बेल। हिज उसका माउथ यानी मुंह, बिगेन शुरू हो जाना, बिगेन की सेकेंड फॉर्म शुरू हो जाना। टू वाटर, यहाँ देखिए यह टू प्लस वर्ब आई है और यह इन्फिनिटिव है। टू वाटर यानी पानी करते हुए। लुक्ड देखा, ही थॉट उसने सोचा, ऑफ ईटिंग खाने का, ऑफ का सेंस होता है खाने का सॉरी, ग्रेप्स अंगूर एज दे, एज मीन्स जैसे, दे मीन्स वे, वुड जब हम, यह एक हेल्पिंग वर्ब है और जब हमको लगता है कि पास्ट में बात हुए और फ्यूचर में उसकी बात हो रही हो तब हम वुड का यूज करते हैं। मेक बनाना, और इसका हम पॉजिटिव के सेंस में भी यूज करते हैं। मील यानी फूड, मील यानी खाना। ओके, सो मीन्स तो, द फॉक्स जंप्ड ओवर द फेंस एंड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द ग्रेप्स, तो लोमड़ी बाड़ पर कूद गई और अंगूरों को पकड़ने की सोच, उसने अंगूरों को पकड़ने की कोशिश की। ही जंप्ड, वह कूदी, बट द ग्रेप्स वर टू हाई फॉर हिम, उसके लिए, लेकिन उसके लिए अंगूर बहुत ऊंचाई पर थे इसलिए वो खा नहीं पा रही होगी। जंप्ड यानी कूदी ओवर किसी चीज के ऊपर, फेंस बाड़ी, ट्राइड कोशिश यानी कोशिश की, होल्ड पकड़ना, ग्रेप्स अंगूर, एंड वर एक हेल्पिंग वर्ब है पास्ट की। टू जब हम लगाते हैं जब कोई चीज़ ज़्यादा होती है, जैसे द कप इज टू ब्यूटीफुल टू टच, जैसे कि इस तरह से हम टू का यूज़ करते हैं, कप इतना सुंदर है छूने के लिए, इस तरह से टू का यूज़ होता है, उसके लिए बहुत ऊँचे थे ग्रेप्स। ओके, ही
tried again but was unable to reach them. उसने फिर कोशिश की लेकिन वह उन तक पहुंच नहीं पाए. हम ओके एंड अगेन यानी कोई चीज दोबारा. अनेबल यानी किसी चीज में समर्थ न होना. टू रीच देखिए इन यह फिर से इन्फिनेटिव आ गया टू रीच का. देम वे देम उनके लिए यह पजेसिव है. इन ऑर्डर टू जंप हायर ऊंची छलांग लगाने के लिए ही डिसाइडेड टू रन फ्रॉम अ डिस्टेंस. उसने तय किया कि वो थोड़े पीछे जाकर कूदेगी. ओके ही वॉक्ड अ फ्यू स्टेप्स बैक एंड जंप्ड विथ ऑल हिज माइट. वह कुछ स्टेप्स पीछे गई और उसकी पूरी ताकत से वह कूदी. वॉक्ड यानी कि चलना. फ्यू कुछ. फ्यू हम जब लगाते हैं जब हमको बोलना होता है कुछ. स्टेप्स मीन्स कदम. बैक पीछे. एंड और जम्ड कूदी विथ साथ में. माइट ताकत. माइट यानी ताकत. सैडली ही स्टिल कुड नॉट रीच द ग्रेप्स. अफसोस कि वो अभी भी अंगूरों तक नहीं पहुंच पाई. ही सैट डाउन एंड लुक्ड एट ग्रेप्स इन डिस्गस्ट. वह नीचे बैठ गई और उन ग्रेप्स की तरफ देखा और उन अंगूरों की तरफ देखा घृणा की नज़र से. वह उन अंगूरों पर घृणा की नज़र से देखने लगी. स्टिल यानी अभी तक. बीच पहुंची. सेट डाउन यानी बैठना. नीचे बैठना. लुक्ड देखा. डिस्गस्ट यानी घृणा. ही थॉट ही वॉज अ फूल टू जम्प एंड गेट समथिंग दैट वॉज नॉट वर्थ ट्राइंग फॉर एंड सैड टू हिमसेल्फ. उसने सोचा कि वह कूदने और कुछ ऐसा पाने के लिए जो कोशिश करने लायक नहीं है. उसने अपने आप से कहा. द ग्रेप्स आर श्योर. उसने अपने आप से कहा कि अंगूर खट्टे हैं. थॉट सोचा. फूल वॉज अ फूल यानी मूर्ख. टू जंप देखिए टू और जंप का फिर से इन्फिनेटिव आ गया. समथिंग कुछ. दैट वॉज नॉट यानी कि नहीं है. वह नहीं है. वर्द यानी वर्द मीन्स लायक. ट्राइंग फॉर जिसके लिए वह कोशिश कर रही है. सेड टू हिमसेल्फ उसने अपने आप से कहा. द ग्रेप्स यानी अंगूर. श्योर यानी खट्टे. श्योर मीन्स खट्टे. ही देन वॉक्ड अवे विथ अ हैवी हार्ट एंड एम्प्टी स्टोमक. इसके बाद वह भारी मन और खाली पेट के साथ वह चली गई. मॉरल डू नॉट डिस्पाइज थिंग दैट आर बियॉन्ड योर रीच. उन चीज़ों का तिरस्कार ना करें जो आपके पहुँच से बाहर हो. ओके फ्रेंड्स दिस इज अवर स्टोरी. इफ यू लाइक माई स्टोरी सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर. अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. बाय बाय.